ये इसके विरोध में एक प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर ये चाहेंगे, अगर मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, ये खुलकर विरोध करें और बड़ी बड़ी रैलियां करें, बड़े बड़े सेमिनार करें और पूरा रामलीला मैदान भर दें। सर, तकरीबन 10-15 सालों से इसको लेकर मांग की जा रही है और तमाम जनसभा हुई, पदयात्रा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लग रहा है आपको मांगें सुनी जाएगी, अब भी असर पड़ेगा? इस समय मुझे लगता है कि बड़ा भयंकर माहौल बना हुआ है। लगभग हर आदमी जातिगत जनगणना का विरोध करता मिलेगा, चाहे कोई मीठे शब्दों में कर रहा है, कोई छुपके कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से कर रहा है, लेकिन आरक्षण लागू हो ही नहीं रहा है, ये भी इसी से खुलासा होगा। इसका बंटवारा, इसका जो अगर पहचान करनी है तो इसको आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध से मत देखिए, इसको किसी विचारधारा का समर्थन करने वाले या उसके विरोध से मत देखिए। एक बड़े विश्लेषक हैं अभय कुमार दुबे, रवीश कुमार हुए या जितने भी ये सब लोग रहे हैं, ये या तो इस पर चुप्पी साधे हैं बिल्कुल, बद्री नारायण तिवारी हैं, या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर खुलकर विरोध में आ गए हैं। क्यों? जातिगत जनगणना मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सर। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए, जरा विस्तार से बताइए। जनगणना का जो वास्तविक उद्देश्य होता है कि देश में कितनी आबादी है, किस तबके की कितनी आबादी है, उसके हिसाब से योजनाएं तैयार की जाती हैं, उस हिसाब से विकास की रूपरेखा तैयार की जाती है, उस हिसाब से उन योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो जो असली मकसद जो है जनगणना का, वो जातिगत जनगणना से ही पूरा होगा। सिर्फ एक कलेक्टिव गिनती कर देने से कि देश की आबादी इतनी हो गई, इस प्रदेश की आबादी उतनी हो गई, उससे बंटवारा जो देश के संसाधन हैं, साधन हैं, उनका बंटवारा किस सभी लोगों तक सही तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, सरकार की योजनाओं का सही लाभ सभी तबकों को पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये सब जानने के लिए जातिगत जनगणना ज़रूरी है। अब उसका और पहलू ये भी है कि दुष्प्रचार कर दिया जाता है कि भाई आरक्षण का जो है पूरा फायदा सिर्फ एक दो जातियां ले रही हैं, एक दो जातियां ओबीसी की हैं, वो आरक्षण पूरा खा रहे हैं। ये भ्रम भी हमें दूर करना है, क्योंकि जब बात करते हैं किसी, जैसे किसी विश्वविद्यालय की बात लें, तो जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें ओबीसी का प्रोफेसर कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। तो जब एक भी प्रोफेसर वहाँ पर नहीं है ओबीसी का, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सारा आरक्षण कुछ जातियाँ खा रही हैं? आरक्षण लागू हो ही नहीं रहा है, ये भी इसी से खुलासा होगा। और किसको कितना आरक्षण मिला है, किसका कितने साधनों पर कब्जा है, किसकी कितनी भागीदारी है, ये सारा खुलासा इससे होगा। तो इससे पूरे देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति सामने आ जाएगी, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। सर, वो ऐसे कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका कि वो जातिगत जनगणना हो ही ना? इसका बंटवारा, इसका जो अगर पहचान करनी है तो इसको आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध से मत देखिए, इसको किसी विचारधारा का समर्थन करने वाले या उसके विरोध से मत देखिए, इसको आप देखिए सिर्फ जाति के आधार पर। जो भी, चाहे कितना भी लिबरल रहा हो, कितना भी सेकुलर रहा हो, कितना भी अपने आप को भाजपा का विरोधी बताता रहा हो, अगर उसकी जाति देखेंगे उस आधार पर उसका तय होगा कि वो जातिगत जनगणना का विरोधी है या समर्थक है। तो जो भी उच्च जाति का तबका है, इनको वो लगभग हर आदमी जातिगत जनगणना का विरोध करता मिलेगा, चाहे कोई मीठे शब्दों में कह रहा है, कोई छुपके कर रहा है, कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से कर रहा है, लेकिन ये सबकी जो उनकी विचारधारा का जो है वो जो दिखावा करते रहे हैं, उसकी पूरी पोल खोल देती है जातिगत जनगणना। जैसे आप देखें कि एक बड़े विश्लेषक हैं अभय कुमार दुबे, रवीश कुमार हुए या और जितने भी ये सब लोग रहे हैं, ये या तो इस पर चुप्पी साधे हैं बिल्कुल, बद्री नारायण तिवारी हैं, या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर खुलकर विरोध में आ गए हैं। क्योंकि इस समय जो है जातिगत जनगणना के विरोध में, जो कई सालों से 10-15-20 सालों से जो माहौल बनाया जा रहा था, जो सामाजिक लोग कार्यकर्ता जागरूकता अभियान जो फैला रहे थे, उसका असर इस समय तो देश के हिसाब से देखें तो बिल्कुल चरम पर है। यानी जितनी अपेक्षा की जा सकती है ओबीसी के बीच में जातिगत जनगणना को लेकर,
वो लक्ष्य तकरीबन पूरा हम पा चुके हैं। तो बड़ा भयंकर माहौल बना हुआ है, सरकार भी दबाव में है और बहुत मुमकिन है कि इनको इसके यानी सरकार अब झुकने की कगार पर आ चुकी है। तो अब इन जो सो कॉल्ड लिबरल हैं इनको भी लगने लगा कि अब कहीं ऐसा ना हो कि जनगणना हो ही जाए, तो ये अपने सारे नकाब उतार के बिल्कुल पूरी अपनी असलियत के साथ सामने आ गए हैं कि भाई जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहाँ से विद्रोह हो जाएगा, कौन विद्रोह करेगा? ये विद्रोह करने वाले लोग हैं, ये हमेशा दूसरों को भड़काते रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी के खिलाफ जो SC ST OBC तुम लोग हो जाओ, OBC की बात आए तो ST के विरोध में खड़े हो जाओ। तो अब ये सारे एकजुट हो गए हैं जातिगत जनगणना को लेके, तो विद्रोह को करेगा कौन? इनके अंदर विद्रोह करने के लिए ताकत भी चाहिए पड़ती है और संख्या बल भी चाहिए पड़ता है। तो ये विद्रोह की जो धमकी दे रहे हैं, ये एक भ्रम फैला रहे हैं, ये इसके विरोध में एक प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। अगर ये चाहें कि अगर मैं तो चाहता हूँ कि अगर ये लोग जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं ये खुलकर विरोध करें और बड़ी बड़ी रैलियाँ करें, बड़े बड़े सेमिनार करें और पूरा रामलीला मैदान भर दें। तो लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया रामलीला मैदान भरने का, उसी दिन इनकी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि रामलीला मैदान का ये एक चौथा हिस्सा भी नहीं भर पाएंगे। तो इनकी असली जातिगत जनगणना तो वहीं पर हो जाएगी कि ये तो संख्या में बिल्कुल भी नहीं है। जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले भी सिर्फ गिने चुने लोग हैं, ये असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए ये जिस तरह की विद्रोह की या बगावत की जो धमकी दे रहे हैं ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, कुछ कोई भी विरोध नहीं होगा। और आसानी के साथ में जिस तरीके से नीट में जो ऑल इंडिया कोटे का आरक्षण लागू हुआ है और आराम से लागू हो गया ना, फिर उसके बाद में जो होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे विरोध हुआ तो सरकार झुकी, हाँ तो अमल हुआ, तो उसके बाद में ऐसा तो नहीं कि समाज में कहीं कोई विद्रोह देखने को मिल रहा हो, बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से जातिगत जनगणना हो जाएगी तो कोई विरोध नहीं होने वाला है, कोई विद्रोह नहीं होने वाला है। जो चिल्ला रहे हैं थोड़ी देर चिल्ला के चुप हो जाएंगे। लेकिन सर तकरीबन 10-15 सालों से इसको लेकर मांग की जा रही है और तमाम जनसभाएं हुई, पद यात्रा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, लग रहा है आपको मांगे सुनी जाएगी, अब भी असर पड़ेगा? इस समय मुझे लगता है कि बड़ा भयंकर माहौल बना हुआ है और OBC ST ST माइनॉरिटी इन सब के बीच में जो संदेश पहुंचाने की हम लोग और हमारे तमाम साथी देश भर के कोशिश कर रहे थे वो अपने लक्ष्य में पूरी तरह से कामयाब हुई है। अब तो दबाव काफ़ी ज़्यादा सरकार के ऊपर बन चुका है और ये 2021 है, यानी जनगणना भी इसी साल ही होनी है, यानी एकदम सही मौके पर ये जो दबाव बनना चाहिए था वो बना हुआ है। तो बहुत हम तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार ये मान जाएगी। और इसके अलावा दूसरा पहलू ये भी हो गया है कि अब तमाम राज्यों ने ये कहने की शुरू कर दिया है कि अगर केंद्र नहीं कराएगी तो राज्य की सरकारें अपने स्तर पर, बिहार सरकार में भी विपक्ष और तो नीतीश कुमार ने भी ये संकेत दिया है कि हम अपने राज्य में तो करा लेंगे, DMK में है वो स्टालिन, वो तो जरूर करवा लेंगे, महाराष्ट्र में भी करवाया जा सकता है, छत्तीसगढ़ में भी करवाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने राज्य में करा देंगे। तो कई बड़े बड़े राज्यों में तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ना भी हो तब भी बड़े बड़े राज्यों में अपने स्तर पर होने की संभावना तो वैसे ही बन रही है। तो ऐसे में फिर केंद्र सरकार अपनी फर्जियत कराने पर अड़ी रहेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी मानेगी। और अभी ये जो दबाव बना हुआ ये तो लगातार दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा। तो और हमारे तमाम साथी हैं जो जनहित अभियान के राजनारायण जी हैं, वो तमाम सांसदों से डेली अभी संपर्क कर रहे हैं और सबको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊंचे लेवल पर और बात उठाएं। तो आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा दबाव बनेगा और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को मानना ही पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार का जिस टाइम विरोध हो रहा है वो सही टाइम पे हो रहा है, सरकार इस मुद्दे को लेकर झुकेगी और नहीं हो सके तो केंद्र सरकार अगर जाति जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार जरूर करवाएगी। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।